जनपद में मंगलवार को 30 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 25 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर तथा 5 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि नागरिक कोविड वैक्सीनेशन के जारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन ओटीपी प्राप्त कर निर्धारित जगह पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करा ले। इस अवसर पर वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों ने कहा, वैक्सीनेशन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों एवं सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, यही चल रहा है। थोड़ा सा दर्द हो रहा है, हल्का सा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अन्य लोगों से क्या कहना चाहिए जो अभी तक नहीं करवाया? जरूर ये वैक्सीन लें, बहुत बहुत ज़रूरत है, अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए। अनुप कुमार, आज आपने वैक्सीनेशन करवाया, क्या चल रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी तरह का कोई दिक्कत? कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने दिनों से आप अरे लगभग हो गया आपका 15-20 दिन से हम ट्राई कर रहे थे, अब हमको मिला। हम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि सभी लोग लगवाएं, अपना अपना घर भी सुरक्षित करें और देश भी सुरक्षित करें। मेरा नाम प्रिया सिंह। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, वैक्सीनेशन का कितने दिनों से इंतजार था? इंतजार तो बहुत दिनों से था, लेकिन आज जाके फाइनली लग गया। जो लोग अभी तक नहीं लगवाए उनके लिए क्या कहना? उनके लिए यही है कि सब लोग लगवाएं, क्योंकि अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए लगवाना ही चाहिए, सुरक्षित रहेंगे सभी लोग। शिखा पांडे। हाँ, रजिस्ट्रेशन हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों के लिए? अब एक हफ्ते से प्रयास कर रहे थे, आज परसों फ्लैट लाट हुआ था। वैक्सीनेशन से कोई फ़ायदा ही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अन्य लोगों को क्या कहना चाहिए जो अभी तक नहीं करवाए? जो लोग नहीं करवाएं वो लोग करवाएं, और आगे चल के इससे फ़ायदा ही होगा लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है? आज जनपद में 30 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें 25 केंद्रों पर हमारे 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जो 44 से 45 के बीच में है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है?
उनके लिए भी वैक्सीनेशन चल रहा है, हमारे बाकी साइट्स पर वैक्सीनेशन हमारे जिला अस्पताल में चल रहा है, बिहारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और कुछ लोग शिकायत है कि जैसे वो सिस्टम ले नहीं रहा है, जैसे ऑनलाइन अब सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही है, पोर्टल पर ही सबको वैक्सीनेट अपने को इंटर करना है, और पोर्टल के बाद ही 45 साल के ऊपर के लोगों को भी करना। पहले जो व्यवस्था थी कि 45 साल के ऊपर के लोगों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, सारा का सारा ऑन पोर्टल रजिस्टर होगा, उसके बाद ही वैक्सीनेशन हो गया। सेकेंड डोज जैसे आप लगवाए थे उसी तरह पोर्टल पहले इंटर हो गया था, और उसके बाद से फिर से सेकेंड डोज लग जाएगा।